हेलो दोस्तों, टेक्नोराजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ गए हैं हम एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, और मैं आज आप सभी को IQ5 और IQ5 Pro के बारे में बताने वाला हूँ, जो चाइना में आज लॉन्च हो चुके हैं। और दोस्तों, साथ ही में इस स्मार्टफोन के बारे में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्मार्टफोन कैसा है। और दोस्तों, साथ ही में मैं आपको इसके इंडियन लॉन्च की डिटेल्स भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों स्मार्टफोन में हमें 6.56 इंच की FHD+ की एक AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिस पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। दोस्तों, इस पर हमें HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों, इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसमें 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। दोस्तों, IQ5 Pro पर हमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, जबकि IQ5 में हमें फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो IQ5 और IQ5 Pro दोनों स्मार्टफोन में हमें Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 7nm पर बेस्ड है और एक 5G चिपसेट है। बात करें इसके CPU की, तो इसमें हमें ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें 2.84 GHz कारियो 585 के एक कोर, 2.42 GHz के तीन कोर देखने को मिलते हैं और 1.8 GHz के चार कोर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, CPU भी इसका लाजवाब है। बात करें इसके GPU की, तो इसमें हमें Adreno 650 का GPU देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी जो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो दोस्तों, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आने वाली है। इसकी परफॉर्मेंस आपको एक टॉप नॉच की देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें IQ5 Pro स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर की, तो ये 6,70,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा है और इसमें आप आराम से हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हैं। बात करें IQ5 सीरीज स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की, तो ये दोनों स्मार्टफोन पर हमें IQ UI 1.5 देखने को मिल जाता है, जो Android 10 पर बेस्ड है। बात करें IQ5 सीरीज स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो दोनों स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों, इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम पहले IQ5 Pro के बारे में, तो इसमें हमें 50 MP का सैमसंग का G1 सेंसर प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 MP का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम और 60x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। और इसमें हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसी के अलावा इसमें हमें EIS का सपोर्ट भी मिलता है। और बात करें IQ5 की, तो इसमें भी हमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पेरिस्कोप लेंस की जगह पर 13 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन में हमें जो प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर मिलता है, वो ऑलरेडी हम इंडिया में लॉन्च हुए Vivo X50 Pro वेरिएंट में देख चुके हैं। तो दोस्तों, इसके कैमरा आपको एक टॉप लेवल का देखने को मिलने वाला है। बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन में हमें 16 MP का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो IQ की तरफ से इस स्मार्टफोन की सीरीज में काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी की, तो IQ5 में हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिस पर हमें 55W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं IQ5 Pro में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिस पर 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों, इस तरीके से ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फ़ोन बन जाता है जिस पर हमें 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, एडवर्टाइजिंग की माने तो ये स्मार्टफोन को 15 मिनट्स में फुली चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, और क्या चाहिए हमें, 15 मिनट्स में बैटरी फुल चार्ज, और दोस्तों 5 मिनट्स में ये बैटरी को 50% चार्ज कर देता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया मूव हो जाता है IQ की तरफ से, जिसने 120 वाट की फास्ट चार्जिंग को कमर्शियली अवेलेबल किया है। और दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में हमें USB टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो सबसे पहले दोस्तों, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, और दोनों स्मार्टफोन में हमें वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, LPDDR5 रैम टैग, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन के लिए।
अब बात कर लेते हैं IQ5 सीरीज के कलर वेरिएंट्स की। तो IQ5 में हमें दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, ग्रे और ब्लू। और IQ5 प्रो भी दो कलर वेरिएंट के साथ आता है, पहला है ब्लू एसेंस और दूसरा BMW स्पेशल एडिशन कलर के साथ आता है, जिस पर लेदर फिनिश मिल जाती है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो पहले बात करते हैं IQ5 की। इसमें बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज 3998 yuan का आता है, जो इंडियन करेंसी में 43,000 का होता है। इसका नेक्स्ट वेरिएंट 12GB रैम और 128GB स्टोरेज 4298 yuan का आता है, जो 46,500 के अराउंड होता है। और इसका हायर वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज 4598 yuan का आता है, जो इंडियन करेंसी में समवेयर अराउंड 50,000 का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं IQ5 Pro के प्राइसिंग की। तो इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज 4998 yuan का आता है, जो इंडियन करेंसी में 54,000 का होता है। वहीं इसका हायर वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज 5498 yuan का आता है, जो इंडियन करेंसी में समवेयर अराउंड 60,000 का आता है। दोस्तों बात करें इसके इंडिया लॉन्च की, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है और इसके इंडिया में लॉन्च होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि दोस्तों जो भी स्मार्टफोन LTR सर्टिफिकेशन में जाता है उस स्मार्टफोन के ग्लोबली लॉन्च होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग इंडिया में क्या होने वाली है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर इंडिया में आते हैं तो ये इंडिया में आपको 50,000 के अंदर ही स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। और दोस्तों बात करें दोनों स्मार्टफोन पर मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोनों स्मार्टफोन में हमें टॉप नॉच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फ्लेक्सिबल लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में हमें अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये दोनों स्मार्टफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा दोस्तों। लेकिन IQ5 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि IQ5 Pro के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जबकि कम प्राइस पर। और दोस्तों कुछ चीज़ें बस उसमें एक्स्ट्रा दी हुई है, जैसे कि दोस्तों उसमें 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो हमें IQ5 में देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो IQ5 मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टेक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।